जब हम एक्सेल में यूज करते हैं डेटा, हम जब एक्सेल में वीवी यूज करते हैं, एक्सेल में जब यूज करते हैं तो डेटा स्टोर करने के लिए एक लोकेशन यूज करते हैं, ए ड्राइव, बी ड्राइव, सी ड्राइव। लेकिन हम बात करें आपके एक इसकी वीवीए मैक्रो की, अगर वीवीए मैक्रो को डेटा होल्ड करना होता है तो हम डेटा टाइप यूज करते हैं, जैसे कि लास्ट क्लासेस में आपको साथ जिक्र किया था, जिसमें डिम आर एज इंटीजर रेंज वगैरह। तो उस तरह से हम क्यों यूज करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है यूज करने के लिए, और कितने तरह की चीजें होती है उसके बारे में डिस्कस करना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, हनान जी म्यूट कर लीजिए, सो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि मैंने बोला डिम आर एज ए इंटीजर, आखिर होता क्या है, क्या करते हैं इसके लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई कैलकुलेशन करनी है। मान लीजिए मुझे कोई ये करना है, माने कि पीएमटी का ये करना है फॉर्म, ये लोन अमाउंट निकालना है, परसेंटेज निकालना है मुझे, मान लीजिए, या फिर लोन निकालना है। तो मैं प्रिंस बाकी डिटेल्स एंटर करूं, और एंटर करते ही बाकी के चीज़ें मुझे आउटपुट के रूप में मैसेज बोल, मैं एक्सेल सीट को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहता। तो उस केस में हम वेरिएबल्स यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे 10 प्लस 20 है, ये क्या है, एक फंक्शंस ऑपरेशंस है, और ये फंक्शंस ऑपरेशंस कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा ही होगा, ये वैल्यू कहाँ स्टोर करेगा। तो इसके लिए दो तरीके, एक तो आप यहाँ पे आप रेंज दे दीजिए, कोई भी A1 B1 C1 जो भी, एक लोकेशन, और लोकेशन देना पड़ेगा सेल लोकेशन, सीट लोकेशंस इक्वल टू 10 प्लस 20। अब प्रॉब्लम यह है कि A1 B1 में सीट का रेफरेंस नहीं दे सकता, मतलब कि मैं इनबिल्ट कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, बाहर आए ना, तो उस केस में आपको कोई वेरिएबल देना पड़ेगा, जैसे टी इक्वल टू 10 20। तो टी क्या हुआ, टी एक टेम्पररी सेविंग डेटा स्टोरेज लोकेशन हुआ, जो कि आपके एक ड्राइव में होता है। टेम्पररी मतलब कि जब ये मैक्रो रन होगा उसी समय टी का वजूद होगा, जैसे मैक्रो यहाँ से एंड सब होगा, सिस्टम से टी नाम का हर एक चीज को मिटा दिया जाएगा। तो ये टेम्पररी लोकेशंस होते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। इसका यूज किस तरह से होते हैं हम देख लेते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि ए करने हैं, तो मैंने यहाँ पे पी पी इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया 50,000, प्रिंसिपल हमारा 50,000 है, रेट हमारा मान लीजिए कि 12% है, 0.12, टाइम हमारा 10 साल है, 5 साल कर दीजिए, एन हमारा मान लीजिए आपका 2 साल, एन हमारा 12 है, मान लीजिए अगली है। तो हमारे पास क्या है, अमाउंट ए, ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका पी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर, 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एल, और यहां पे MSG बॉक्स में आपने ए कर दिया। और जैसे प्ले होगा, प्ले होते ही आपका एक कैलकुलेशन आ जाएगा 90,834। तो हमने ए क्या है आपका, टी क्या है, पी क्या है, आर क्या है, एक ब्रेवल है, एक एक डेटा टाइप है, इसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको टेम्परेचर स्टोर करने के लिए, अगर हम यहाँ पे 5000 ये जो है पी पे लिखा, तो 5000 हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी आपको हम 5000 करके दे सकते हैं, या यहाँ भी आपको मैं क्या बोलते हैं 2% दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ना मुझे इनपुट लेना है, और उस इनपुट को कई सारे जगहों पर यूज करना है, तो उस केस में हम स्टोर करते हैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स, यहां पे कर दिया मैंने एंटर पी। तो जैसे रन होगा, रन होते पी इनपुट पी करेगा, टाइम चाहिए तो या टाइम भी कर दो। तो यहां पे जैसे रन होगा, सबसे पहले आपसे ए पूछेगा, मैंने यहां पे डाल दिया 20,000, तो ये 20,000 हो गया। इस तरह से चीजें बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे MRP निकालनी है, तो MRP पे, अब यहाँ पे MRP के बारे में बात करें, MRP अगर मुझे निकालनी है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे,
कि अगर आप मान लीजिए कि आपका ये किसी किसी कंपनी का कॉस्ट जो है 50 रुपीज़, 5% मैन्युफैक्चरिंग वाला जो मैन्युफैक्चर करता है वो कमीशन, वो अपना प्रॉफिट लेता है। फिर उसकी जो खरीद पड़ती है उस खरीद पे जो आपका 10% डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, 50% आपका होलसेलर लेता है और फिर 20% रिटेलर लेता है, आपने अपनी खरीद। तो कैसे हो, मतलब कि जो 10% ये निकल रहा है, ये 10% निकल रहा है 50 प्लस 50 का 5%, फिर ये 10%, ये जो 15% निकलता है 50 प्लस 50 का 5% का 10 प्लस 50 प्लस 55%। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए वीवी यूज करते हैं। कैसे वीवी यूज होगा, देखिए तो यहां पे लिखेंगे हम सब एमआरपी। अब यहां पे अगर हम बात करें कि मुझे एमआरपी निकालने हैं, तो यहां पे हम करते हैं कि सी इक्वल टू 50 रुपीज, या इनपुट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। अब यहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट प्लस या फिर एमआरपी, एम इक्वल टू यहां पे लिखा एम इक्वल टू सी प्लस सी का ब्रैकेट में सी का 0.0। याद रखिएगा एक्सेल के वीवीए के अंदर में क्या होता है कि परसेंटेज या सिंबल सपोर्ट नहीं करता है। एम का 10%, 0.10 कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, पेस्ट कीजिए 15। बाद में अगर कहीं पे आपको कहीं पे आउट करना है तो आप उस लोकेशन डाल दीजिए, नहीं अगर मैसेज उसमें चाहिए तो MSG बॉक्स लगा दीजिए और यहाँ पे आप एंटर, यहाँ पे। अब इसमें वेरिएबल क्यों यूज करते हैं, वेरिएबल एक टाइप के लिए, यहाँ पे एक डेसिमल्स में आ रहा है, मैं चाहता हूँ डेसिमल्स में नहीं, ये किस में आए, एक राउंडेड फिगर में आए, तो मैं यहाँ पे डिम एम एज ए लॉन्ग कर दूंगा। तो हम जानते हैं कि लॉन्ग क्या करता है, डेटा को स्टोर नहीं, मतलब कि ये आपका डेसिमल डेटा को स्टोर नहीं करता, डेसिमल डेटा अगर डालते हैं तो डेसिमल की बगैर ही लेता है, राउंड अप कर देता है। यहां देखिए डेसिमल्स इसने एक्सेप्ट नहीं, तो डेटा टाइप स्टोर करते इसलिए कि वैलिडेशन के लिए कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो उस वेरिएबल पे उसी तरह का डेटा टाइप स्टोर हो, कोई और टाइप का डेटा स्टोर ना हो, उस केस में हम यूज करते हैं वेरिएबल टाइप। ठीक है, तो ये डीम एज लॉन्ग आखिर होते कितने तरह के हैं, तो इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो बेसिकली कई तरह के होते हैं, तो सारे तरह की चीजें अभी नहीं सिखाऊंगा, कुछ चीजें हम बाद में आपके साथ सिखाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो डेटा टाइप में सबसे पहले होता है आपका डिम आर एज ए बाइट, तो डिम आर एज ए बाइट, आर एज ए बाइट हमने ले लिया, इसका मतलब क्या है कि आर पे बाइट टाइप का डेटा स्टोर होगा जिसकी कैपेसिटी होती है 0 to 255, 0 से 255। ए डेसिमल्स ले लेता और नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता। ठीक है, अगर मैं डिम आर एज ए इंटीजर किया हमने, तो इसकी एक डेटा टाइप होती है जो कि आर इक्वल टू इस पे हम -32,000 समथिंग से +32,000 समथिंग तक लेते हैं।
अब इसके बारे में एग्जैक्ट बारे में चाहिए तो जो मैंने बुक भेजा है उस बुक के पेज नंबर 199 पे आप जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे सिस्टम में डाउनलोड है कि नहीं है PDF। लग रहा है नहीं है इसमें, नहीं डाउनलोड हो गया। क्या हो गया? इसी के पेज नंबर हाँ उस बुक की जो प्रैक्टिस बुक का प्रैक्टिस फाइल का नेम लिखा होगा उस नेम को अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल पे तो फाइल आपको मिल जाएगी। तो फाइल लाइन को नाम को भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है तो इसमें देखिए हम बात कर रहे थे बाइट, यहाँ पे देखिए बाइट है। अगर हम बाइट जो क्या था वो बाइट सिर्फ 0 से 100 255 तक की साइज ही कवर कर पाता है। अगर हम बात करते हैं अगर हम बाइट की बात करें तो बाइट जो है वो आपका ए 0 to 255 का वैल्यू स्टोर करता है। अगर हम बुलियन की बात करें तो बुलियन सिर्फ आपको ट्रू एंड फॉल्स करता है। इंटीजर की बात करें
तो इंटीजर -32,767 से +32,767 तक ही स्टोर करता है। लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग इंटीजर से ज़्यादा करता है, देखिए -25,2340 करके समथिंग है, ज़्यादा है नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू डबल। अब इसमें क्या है कि ये सारे जितने भी है इसमें आप जो है ए नहीं डाल सकते, मतलब कि डेसिमल्स नहीं डाल सकते, डेसिमल डालने के लिए हम डबल यूज करते हैं, ठीक है, इसके लिए डबल। या डेट फॉर्मेट, अगर आपको डेट एंड टाइम लिखना है तो डेट एंड टाइम लिखने के लिए हम डेट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि अदर एप्लीकेशन है हैंडलिंग करना है उसके लिए हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। स्ट्रिंग हमारा टेक्स्ट के लिए होता है, और अगर आपको समझ में ना आए कि कौन सा करना है तो उसके लिए हम वेरिएंट यूज करते हैं। वेरिएंट में क्या होता है कि अपने हिसाब से आप जो करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएंट में ऐसा होता है कि जैसे आप टाइप करोगे वो आपका अपना ऑटोमेटिक उसके अपना कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि अगर आपने डीम आर एज वेरिएंट किया और आर इक्वल टू आपने रवि लिख दिया तो रवि जो जो क्या हो जाएगा वो एक्स बन जाएगा, अगर आर इक्वल टू डेट लिख दिया तो डेट बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। तो इसमें एक सिंपल सी बात यहाँ पे आती है कि जब अपने आप बन जाता है, मतलब कि ले लेता है, मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे अपने आप, तो हम क्यों ना वेरिएंट यूज करें, इतने झमेला डालने की क्या जरूरत है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाइट यूज, हर एक जब डेटा टाइप यूज करते हैं उसका एक साइज है, साइज है। तो अगर हमने डिम आर एच बाइट किया तो उसने अब मेमोरी के अंदर में एक बाइट का स्पेस कैप्चर किया, बुलेन किया ट्रू फॉल्स के लिए तो 2 बाइट का, इंटीजर किया तो 2 बाइट का, लॉन्ग किया तो 4 बाइट का, सिंगल किया तो 4 बाइट का, डबल करता हूँ तो 8 बाइट का, वेरिएंट आया देखिए 16 बाइट है, ठीक है 16 बाइट। तो अब एक सवाल आता है कि सर मेरे पास सिस्टम में तो 1 TB का हार्ड डिस्क 4 GB का रैम लगा हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है केबी पे, बाइट से, केबी नहीं बाइट है वो। तो बेसिकली क्या है कि जब भी हम कोई प्रोसीजर डिजाइन करते हैं डिफाइन करते हैं तो उस प्रोसीजर का एक साइज होता है, मतलब जब हमने TT किया तो RT जो हमने एक प्रोसीजर एक जो हमने माइक्रो नाम रखा है इसका माइक्रो की मैक्सिमम साइज होती है वो 255 KB होता है, इससे ऊपर अगर माइक्रो की साइज जाती है तो आपका प्रोसीजर टू लार्ज का ऑप्शन देता है। इसीलिए हम इस तरह के होते छोटे मोटे अगर माइक्रो डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे आप दे दीजिए, अगर आप बड़ा माइक्रो डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, पेज नंबर 199 जो आपका है वहाँ से उससे पहले भी एक है आपका चैप्टर 4 है, इस बुक को एक बार पढ़ लीजिए, आप स्टडी स्टार्ट कीजिए वेरिएबल डेटा टाइप से, ये जो आता है वेरिएबल डेटा टाइप एंड कॉन्स्टेंट जो आ रहा है आपका उससे आपका स्टार्ट कीजिए, इससे पहले भी आपका है चैप्टर जो है ये आपका 190 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है 190 से आप स्टार्ट कीजिए और इसको आप अगले 8-10 पेज को पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और डेटा टाइप्स पे और भी हम आगे काम करेंगे, ये फंडामेंटल VBA प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आ रहा है ना आपका 8वां नंबर चैप्टर है, 193 आपका पेज है, तो 193 से लेके आपको 205 तक आप 10-15 पेज इसको स्टडी करो, ठीक है, जिसमें आपको डेटा टाइप के बारे में समझ में आ जाएगा। तो कल हम डेटा टाइप पे और यूज करेंगे, साथ में हम इस पर लूपिंग का कंसेप्ट को कल समझेंगे कि हम लूप यूज क्यों करते हैं और लूप का बेनिफिट क्या है, ठीक है। आलोक जी कोई डाउट, हाँ इसको मैं आपको लिंक भेज दिया है आप लोगों को बुक का, आप लोगों ने बुक का लिंक पे क्लिक कर लिया, ठीक है। तो नहीं ये आपका 2010 का है, लेटेस्ट 2013 आया हुआ, 2013 का लेटेस्ट वर्जन का PDF है लेकिन तो सही तरीके से नहीं, और 2013 बुक चाहिए आपको,
नहीं, एक बताइए, आपको क्रैक वर्जन चाहिए क्या?